नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की संपत्ति के बारे में। बीजेपी के नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पिछले महीने रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि इस बात का खुलासा हो गया है कि सोनाली की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो एक बात सामने निकल कर आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति का मामला सामने आ रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो उनके पास 110 करोड़ की संपत्ति है। अमर उजाला में छपी एक खबर के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप फोगाट ने बताया है कि सोनाली के पति संजय के हिस्से में करीब 13 एकड़ जमीन है, जिसमें 6 एकड़ में फार्म हाउस व रिसॉर्ट है। बता दें कि यह फार्म हाउस सिरसा रोड एवं राजगढ़ रोड बाईपास के पास ढूंढर गांव के पास यह जमीन है, जिसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इनके पास जितनी जमीन है उसकी कुल कीमत करीब 96 करोड़ रुपये है। इसके अलावा रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ संत नगर में करीब 3 करोड़ का आवास व दुकान है। इन सब के अलावा यह भी बताया जा रहा है कि सोनाली के पास स्कॉर्पियो सहित 3 गाड़ियां हैं। इनके साथ साथ परिवार के लोग यह भी बता रहे हैं कि सोनाली के पास 2 फ्लैट भी है। हालांकि इन फ्लैट के कागजात अभी परिवार के लोगों के पास नहीं है। सोनाली की संपत्ति को लेकर परिजनों का कहना है कि उनके पास 110 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनके पास है। वहीं अगर हम आज तक पर जो न्यूज़ छपी है उसकी अगर हम खबर को देख लें तो उसमें 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली को बीजेपी की तरफ से आदमपुर सीट से टिकट मिला था, यानी कि चुनाव मैदान में थे। उस चुनाव में सोनाली ने अपनी तरफ से जो संपत्ति का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने आयोग को बताया कि उनके पास जो ज़मीनें और कैश के रूप में कई तरह के जो है संपत्ति, जिसे हम चल और अचल के रूप में देखते हैं, वो रही, जिसमें उनके पास कैश अकाउंट के रूप में 5,11,640 रुपये जमा थे। इसके अलावा 50 तोला सोना समेत 19,25,000 रुपये के गहने भी उनके पास थे। उस दौरान दिए गए हलफनामे में यह बताया गया कि उस दौरान उनके पास कोई भी कार नहीं थी। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि सोनाली के पास इतने पैसे आए कहाँ से और वह कमाती कहाँ से है। बता दें कि सोनाली के पास कमाई का जरिया एक तो एक्टिंग था और वहीं दूसरा खेती। बता दें कि यह एक फिल्म के लिए सोनाली जो है 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती थी, जबकि बिग बॉस में थी तो उस एक एपिसोड के लिए उन्होंने 80,000 रुपए चार्ज किए थे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सोनाली फोगाट की मौत के बाद एक व्यक्ति का नाम जो है बड़ी तेजी से निकलकर सामने आया और उसका नाम है सुधीर। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो आरोपी सुधीर भी इस फ्लैट में ही रहता था, यानी कि जहां उनकी मृत्यु की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही। सुधीर ने फ्लैट लेते समय वहां पे लोगों को सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। गोवा पुलिस ने जब सुधीर से पूछताछ की तो उसने बताया कि फ्लैट किराए पर लेने के लिए उसने सोनाली को पत्नी बनाया था। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सोनाली का सहयोगी सुधीर सांगवान सोनाली के नाम पर अवैध वसूली का नेटवर्क भी चला रहा था। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनाली और पुलिस के नाम पर कई लोगों से लाखों का चूना भी लगवाया गया था। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव एग्रीटेक के नाम पर फॉर्म भी चलाया गया, जिसमें कि किसानों को कृषि लोन के नाम पर ठगी किया जाता था। बैंकों से सस्ता कर्ज देने और सब्सिडी के नाम पर जब पैसे की ठगी की गई तो आम लोग, यानी कि जो किसान है, जब उन्होंने कहा कि हमें हमारा पैसा वापस किया जाए तो उन्होंने पुलिस का धौंस दिखाया और किसानों को डराया धमकाया गया। कई ऐसे मामले वीडियोज के रूप में जो है वो मीडिया में प्रस्तुत है, मीडिया में चलाए जा रहे हैं। तो एक तरह से कह लें कि अब जो मामला निकल कर सामने आया है उसमें सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है उसमें सुधीर सांगवान नाम के जो व्यक्ति है, जो उनका पिए था, वो उसने जो है अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ ये जो अब इस पूरे खबर को लेकर जो एक लबोलवाद है, उसमें ये कहा जा रहा है कि संपत्ति हड़पने को लेकर जो है सोनाली फोगाट की मौत की खबरें जो है अब एक स्तर पे कही जा रही है। तो ये थी सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।